हेलो गाइस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड हमने अब तक डिस्कस कर लिया अबाउट बैंक रिकंसिलेशन का मीनिंग, देन व्हाई वी प्रिपेयर बीआरएस, हम बीआरएस क्यों बनाते हैं, बाद में रीजंस ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, डिफरेंस क्यों आता है, तीन कारण हमने पढ़ लिए तीनों। देन आफ्टर अब हम देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, ये हमने तीनों रीजंस पढ़ लिए। अब हम जैसा कि जानते हैं बीआरएस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम ये सारे रीजंस असर्टेन करते हैं, अब हमें देखना है इनकी ट्रीटमेंट, अब ये किस पे बेस करता है। दिस इज बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन, आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, आपको ये चार दिए हो सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट ये हमारे लिए फेवरेबल है, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट ये अनफेवरेबल है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमारा बैलेंस नेगेटिवली शो कर रहा है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट ये भी अनफेवरेबल शो कर रहा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस, लेकिन बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट ये है फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल अकॉर्डिंग टू पासबुक, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों एक है, मतलब दोनों पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहे हैं, लेकिन कैश बुक का क्रेडिट पासबुक का डेबिट दोनों एक कर रहे हैं, दैट इज अनफेवरेबल, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारे रीजंस हमने पढ़ लिए कि बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है, अब हमें उसे असर्टेन करना है और डिडक्ट और ऐड करना है, लेकिन ये डिपेंड किस पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो पहले हम बात करते हैं कि बीआरएस कैसे बनता है, फॉर्मेट, तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऊपर लिख देते हैं हम, फिर लिखते हैं एज ऑन डेट, जिस दिन हम बना रहे हैं बीआरएस, जिस दिन के बैलेंस को हम इक्वल कर रहे हैं कैश बुक के और पासबुक के, देन बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, फिर आपको कुछ आइटम्स एड लेस करनी है, देन बाद में आप पहुंचोगे तो आपके पास होगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, मतलब कैश बुक का उल्टा पासबुक, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, हमेशा जो स्टार्टिंग दिया होगा उसका अपोजिट ही बैलेंस होगा एंडिंग पॉइंट, जैसे कैश बुक डेबिट तो पासबुक क्रेडिट, और देखा जाए तो दोनों का नेचर सेम है, फेवरेबल, ये रहा फेवरेबल। सेकेंड है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, तो हमको क्या मिलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, पासबुक का उल्टा कैश बुक, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, ये दोनों भी सेम मिलेगा, दोनों का नेचर सेम है, ये देख लीजिए, बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट फेवरेबल, तो हो गया ना ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, और फर्स्ट वाले में डेबिट ये था तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग, तो दोनों फेवरेबल, साथ में स्टार्टिंग ये तो एंडिंग ये, स्टार्टिंग से एंडिंग या ये स्टार्टिंग तो ये एंडिंग, देन हो सकता है आपका बैलेंस स्टार्ट हो कैश बुक क्रेडिट, तो पहले उसका उल्टा, तो एंड किससे होगा, पासबुक क्रेडिट का उल्टा डेबिट। अब बैलेंस ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस कह सकते हैं हम, लोन लिया है ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो पासबुक का डेबिट बैलेंस, इन दोनों का नेचर भी सेम है, देखिए अनफेवरेबल, तो ये स्टार्टिंग तो ये एंडिंग, देन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट तो ये भी नेगेटिव बैलेंस हो गया ना, और ये आपका एंडिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, तो पासबुक का उल्टा कैश बुक और डेबिट का क्रेडिट, तो हमेशा इन दोनों के बैलेंसेस को हमको रिकंसाइल करना है, तो ये हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और
ऐड और लेस करते हैं कुछ आइटम्स और हम रिकनसाइल कर देते हैं। इन दोनों का नेचर भी सेम है, पासबुक का डेबिट और कैशबुक का क्रेडिट। ये रहा पासबुक का डेबिट स्टार्टिंग, कैशबुक क्रेडिट एंडिंग, दोनों अनफेवरेबल, दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट हो, फेवरेबल हो, तो हम क्या करते हैं? तो ये सीधी सी है, एक तो है कि आप रट्टा मार लो ये सारे आइटम्स। दूसरा है, मैं आपको लॉजिकल ट्रिक्स बताता हूं कैसे इसे याद रख सके, एकदम आसान ट्रिक है। देखिए ऊपर क्या है, डेबिट बैलेंस, तो फर्स्ट चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पहले हम फर्स्ट ट्रिक से देखते हैं, चेक इश्यूड मतलब हमारे कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है लेकिन बैंक के हिसाब से डेबिट होना चाहिए, तो बैंक ने उसे डेबिट नहीं किया। क्या नहीं किया? आंसर आएगा डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड। सेम अगर आए डेबिट डेबिट तो ऐड, और अगर आंसर क्रेडिट आए तो लेस। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड और चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमारी बैंक ने उसे क्रेडिट कर दिया इन पासबुक लेकिन हमने हमारी कैशबुक में उसे डेबिट नहीं किया। क्या नहीं किया? डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड। थर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, ये सारे हमने डिस्कस किए थे इन डिटेल। तो इंटरेस्ट या तो डिविडेंड डायरेक्टली बैंक ने डिपॉजिट कर दिया, मतलब क्रेडिटेड इन आर बैंक, तो हमारी पासबुक में क्रेडिट हो चुका है, कैशबुक में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होना बाकी है क्योंकि बैलेंस बढ़ाना है ना, तो डेबिट करेंगे लेकिन हमने क्या नहीं किया? डेबिट नहीं किया, डेबिट डेबिट ऐड। फोर्थ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, मतलब हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो बैंक को दिया था मतलब डिस्काउंट किया था या फिर हमने कलेक्शन के लिए दे रखा था, वो रियलाइज्ड हो चुका तो बैंक के पास आ गया होगा, बैंक ने अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दिया होगा, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इन पासबुक लेकिन हमको डेबिट करना बाकी है इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेसमैन के, तो क्या करना बाकी है? डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड। फिफ्थ, रॉन्गली क्रेडिटेड गारंटेड ग्रांटेड बाय व्हाट? बैंक, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया है तो बैंक को वापस क्या करना चाहिए? बढ़ा दिया पहले तो अब बैंक को वापस घटा देना चाहिए या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम भी बढ़ा दे क्योंकि हमको बैलेंस इक्वल करने हैं, तो या तो बैंक उसे घटा दे तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, तो डेबिट डेबिट ऐड, या फिर हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ा दे तो डेबिट डेबिट ऐड, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे तो क्या नहीं किया हमने? डेबिट नहीं किया, डेबिट डेबिट ऐड। देन चेक इश्यूड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया मतलब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट को, बढ़ा दिया बट बैंक ने अभी हमारे अकाउंट में उसे क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक ने क्या नहीं किया? क्रेडिट नहीं किया, डेबिट क्रेडिट उल्टा हो गया ना, तो लेस, दोनों अपोजिट है डेबिट और क्रेडिट। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, मतलब पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट न मिलने के कारण बैंक ने उतना बैलेंस हमारे से कम कर दिया, मतलब हमारे डेबिट कर दिया इन पासबुक, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस एज पर पासबुक कम दिखेगा, तो हमें क्या करना है? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक बैलेंस कम करना है, दैट इज वी हैव टू क्रेडिट आर बैंक अकाउंट इन कैश बुक, तो हम क्रेडिट करेंगे। क्या नहीं किया था हमने? क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट करो, डेबिट क्रेडिट लेस। बैंक चार्जेस चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज, बैंक चार्जेस या फिर इंटरेस्ट, बैंक ने क्या किया? बैंक ने डेबिट कर दिया
हमारे अकाउंट से उतने पैसे चले गए, कट गए, लेकिन वी हैव नॉट डिडक्टेड, हमने हमारा एक्सपेंस रिकग्नाइज नहीं किया हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या नहीं किया था, क्रेडिट नहीं किया, तो क्या करेंगे, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लेस, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और इंस्टॉलमेंट पेड। तो डायरेक्ट बैंक ने पे कर दिया, मतलब हमारे अकाउंट से वो क्या हो गया होगा, डेबिट हो गया होगा, लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने उसे कम नहीं किया बैंक बैलेंस को, मतलब क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया बैंक अकाउंट को, तो डेबिट क्रेडिट लेस। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने गलती से उतने पैसे डिडक्ट कर लिए, रॉन्गली, दैट इज एरर, थर्ड वाला केस हमने पढ़ा था। तो इन दैट केस बैंक डिडक्टेड, दैट मीन्स बैंक ने डेबिट कर दिया इन आर बैंक अकाउंट, तो कैश बुक में क्या कर दिया उन्होंने, डेबिट, लेकिन हमने या तो बैंक के बैलेंस को मैच करने के लिए हम उसे कम करें, मतलब क्रेडिट करें इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, या फिर बैंक उसे वापस उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दे, उतना बैलेंस जितना काटा था, रॉन्गली डिडक्ट किया था, उतना वापस क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, मतलब क्या करना पड़ेगा, या तो हमें क्रेडिट या तो बैंक को क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट लेस। चेक्स रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिकॉर्ड कर लिया, मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया डेबिट, हमारी बैंक अकाउंट बढ़ा दिया हमने उतने बैलेंस से, डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, हो सकता है वो डिपॉजिट नहीं हुआ हो, तो या तो हम क्रेडिट कर दे उसको, पासबुक तो हम क्रेडिट कर नहीं सकते, वो तो बैंक की है, सो वी हैव टू क्रेडिट इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट टू रिड्यूस, वापस हमें कम करना है उतना बैंक का बैलेंस, सो हम क्रेडिट करेंगे, क्या नहीं किया था, क्रेडिट नहीं किया तो करो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लेस। सेकेंड मेथड, अब सेकेंड ट्रिक, जो काम अभी तक नहीं हुआ उसे कर दो, मतलब एक बंदे ने, या तो बैंक ने उसे कर दिया तो बिजनेसमैन को वो करना होगा, या बिजनेसमैन ने वो कर दिया तो बैंक वो करे, मतलब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक को हमने इश्यू कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उतना बैलेंस काटा नहीं है, मतलब बैंक बैलेंस उतना ही दिखा रहा है, कैश बुक में हमने कम कर दिया लेकिन बैंक ने नहीं किया क्योंकि वो अभी तक चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, तो वापस उतना अमाउंट बैंक को बढ़ा दो, तो बढ़ाने के लिए बैंक के अमाउंट को हम क्या करेंगे, एड। सेकेंड, चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली किसी ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में, तो अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ा देंगे, तो ऐड कर दो, बढ़ाने के लिए ऐड। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक और डिविडेंड कलेक्टेड, तो इंटरेस्ट या डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमारे अकाउंट में उतना बैलेंस बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, तो बढ़ा दो बैंक के हिसाब से, दोनों इक्वल कर देंगे तो ऐड कर देंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज, मतलब बैंक ने रियलाइज कर लिया, बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन हमने नहीं बढ़ाया, तो बढ़ा दो, ऐड कर दिया। रॉन्गली क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से उतना बढ़ा दिया तो हम भी उतना बढ़ा देंगे बैलेंस, क्योंकि बैंक के हिसाब से चलो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट हो चुका है लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक ने नहीं किया अब तक, हमने बढ़ा दिया था, तो वापस उसको नीचे लाने के लिए बैलेंस को हम डिडक्ट कर देंगे। चेक इश्यूड बट डिसऑनर्ड और बिल, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब हमारे रिकवर नहीं हुआ अमाउंट, लेकिन हमने बढ़ा दिया बैलेंस, बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो बैंक के हिसाब से वापस कम कर दो, दोनों इक्वल तो लेस। इसी तरीके से बैंक चार्जेस, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, रॉन्ग डिडक्शन बाय द बैंक, और चेक रिकॉर्डेड बाय डिपॉजिटेड, इसी तरीके से लेस होते जाएंगे, क्योंकि बैंक ने इसमें क्या किया है, बैंक चार्जेस कम कर दिए, हमने नहीं किए तो कम करो लेस। डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने कम कर दिया, हमने नहीं किया तो लेस। बैंक ने काट दिए गलती से, हमने नहीं काटे तो काटो लेस। चेक रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ तो लेस करो।